हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ लंबे बालों की कटिंग विद ट्रिमर से, उसको कैसे अच्छे से सेट करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा सा भी पसंद आए, तो वीडियो को भरपूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं एकदम बस बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉल वॉल पूरा ओढ़ के बैठी हूँ। अभी मैं आ रही थी बाहर से, आग जलाया हुआ था तो आग सेक के अब जस्ट आई हूँ, और फिर हीटर से भी सेक रही थी। इतनी ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे आज 13 तारीख से, यहाँ पे धूप हुई ही नहीं है, धूप का नामो निशान नहीं है। और मैं फाइनली राजस्थान से अपने गाँव आ चुकी हूँ और मैंने सोचा वीडियो आप लोग को रेगुलर दी जाए। मैंने बिल्कुल भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, ओनली बस नहाया है और मुंह धोया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। और हाँ, मैंने अपने बाल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी किए हैं, कट कर लिए हैं। तो किस तरीके का कट है, इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया हुआ है। आज की वीडियो लॉन्ग हेयर कट है और ट्रिमर से बालों को कैसे सेट करें ये है, तो वीडियो देखिएगा पूरा। और इसके बाद लंबे बालों का लेयर कट की वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो एंड तक। और हाँ, मैंने एक मंगाया था सीरम, विटामिन सी का सीरम है ये, जैसे काफ़ी चेहरे पे ग्लो नहीं रहता है तो आप ये सीरम यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। अब पता नहीं रिजल्ट कैसा है क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम मंगाया है, बट मैंने सुना है कि विटामिन सी का सीरम यूज करने से फेस काफ़ी अच्छा ग्लो देता है। मैं इसको अभी यूज कर रही हूँ और मैं इसको यूज करने के बाद से आप लोग के साथ इसका क्या रिजल्ट आता है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इससे पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। यह गजब की पैकेजिंग देते हैं ये लोग, खुलता ही नहीं है जल्दी। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। इधर से ओपन होगा ये, तो इसको मैं ओपन कर दूँ और फिर आप लोग के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अभी तो मैं इसको दिखा दूँगी ये कैसा है, मतलब कैसा मैंने इसको मंगाया है, बट मैं इसको यूज़ करूँगी और काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद रिजल्ट कैसा आता है मेरे चेहरे पे उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आप लोग के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अभी तो बस मैं मंगाई हूँ और बस अभी निकाल के आप लोग को दिखा दे रही हूँ। इसको ओपन करने में ही काफ़ी टाइम लगता है कि जो पैकेजिंग होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। फाइनली मुझे मिल गया कि ये कहाँ से ओपन होगा। ओके, तो इस तरीके से मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो इसमें एक ये दिया हुआ है, आई डोंट नो कि ये है क्या। देन ये सीरम दिया हुआ है, विटामिन सी का सीरम, देख सकते हैं आप लोग। मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। इसका रेट है 400 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा हो, बट ये मुझे मिला है ओनली 157 का। ये पता नहीं क्या है इसके साथ, ये क्या दिया हुआ है, खुशबू तो काफ़ी अच्छी है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। इस पर कुछ पैक लिखा भी नहीं हुआ है तो इसको मैं ऐसे यूज नहीं कर सकती कि ये है क्या। मैंने तो बस सीरम देख के मंगवाया था, काफ़ी कूलिंग इफेक्ट दे रहा है इसको यूज लगाने पे, मैंने यहाँ पे लगाया है। और ये सीरम है, वॉश एंड ड्राई योर फेस, मतलब अपने फेस को वॉश करके ड्राई कर लीजिए, देन टेक फ्यू ड्रॉप, 5 बूंद आपको लेना है, एंड अप्लाई ऑन फेस एंड मसाज फॉर 2-3 मिनट्स एंड लीव दी इट, बेस्ट टाइम टू यूज एट नाइट। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको रात में यूज करना है। आप इसको 4-5 ड्रॉप इसका लेके 2-3 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है और रात के टाइम यूज करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। टैनिंग को रिमूव करता है, टोनर की जगह भी यूज कर सकता है, रिंकल जैसे कि आपके स्किन पे जो एजिंग आ जाती है उसको कंट्रोल करता है, स्किन को ब्राइट करता है, ऐसा इस पे सब लिखा हुआ है। और ये क्या है आई डोंट नो, शायद ये फेस वॉश करने के लिए दिया हो क्योंकि वॉश एंड ड्राई ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं इसका रिव्यू चेक करूंगी और उसके बाद से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो मैंने दिखा दिया कि ये कैसा है, क्या कैसे यूज करना है बाकी, और बाकी मैं यूज़ करने के बाद से रिजल्ट क्या आता है वो बताऊंगी। अगर आपको इसको रिटर्न करना हो, मैंने इसको मीशो से मंगाया था, तो ये वाली जो मैंने फाड़ दी इसको फाड़ना नहीं है,
नहीं तो आपका रिटर्न नहीं होगा, इसी चीज़ पे ही रिटर्न होता है। ओके, तो मैंने तो अभी फाड़ दिया, मैं इसको रिटर्न करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसी को यूज करना है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को इसका रिव्यू शेयर कर पाऊँगी कि कैसा रिजल्ट देता है ये, उसके बाद ही मैं शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बात हो गई, हेयर कटिंग कैसे करना है एंड ट्रिमर से कैसे सेट कर सकते हो आप लोग लंबे बालों को। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसमें मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। अगर आपको ब्लॉग देखने में इंटरेस्ट हो प्लीज़ उस चैनल पे जाइएगा और ब्लॉग वीडियो जरूर देखिएगा। प्लीज़ लुक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कुछ भी करने का मन नहीं करे ना। मैंने आईब्रो पेंसिल लगाया क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कम है, लाइट है, इसलिए लिपस्टिक भी नहीं लगाया है, फेस क्रीम में क्रीम भी कुछ नहीं लगाया, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं करी, काफ़ी टाइम भी हो चुका है और मैं अपने गांव आ चुकी हूँ तो अपना काम स्टार्ट करना जरूरी है और मेरा ये एक तरह से काम ही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलो हेयर कट स्टार्ट करते हैं। आप सब देख सकते हैं इनके बालों की क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितने ज़्यादा लॉन्ग हेयर है। तो मैं ऐसे 4 से 5 इंच तक लेंथ इनकी निकालूंगी बालों की। तो यहाँ पे मतलब मैं बाहर आई हुई, तो यहाँ पे मुझे बाल काटने वाला सीजर नहीं मिल रहा था, मतलब कैंची, तो मैं यहाँ पे कपड़े काटने वाली कैंची से ही हेयर कट कर रही हूँ। बट कपड़े काटने वाली कैंची से जो हेयर कट करते हैं हम लोग तो वो अच्छा सा लुक नहीं आता है, उसके लिए आपको बाल काटने वाली कैंची ही लेनी चाहिए। तो इसको इनका जो नीचे का हेयर डैमेज ना जाए उसके लिए मैंने ट्रिमर से हेयर को ट्रिम किया था, तो वो सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। चलिए पहले बराबर कट कर लेते हैं, मतलब स्ट्रेट कट कर लेते हैं बालों को। ओके, तो आप देख सकते हो कितना लेंथ मैं इनका निकाल रही हूँ। तेरे दिल की गलियों से पूरा एकदम बराबर में कट करना है, जैसे जो आपका गाइडलाइन होता है उसके साथ साथ में कट करते जाओ। तो ये देख सकते हो मैंने एकदम स्ट्रेट यहाँ पे कट कर लिया है। ओके, फिर यहाँ पे इस तरीके से कॉम करते करते, और काफ़ी ज़्यादा टाइम से मतलब ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ड्राई हेयर कट करके दिखाओ, तो यहाँ पे मैंने इनके बालों को बिल्कुल भी गीला नहीं किया, एकदम ड्राई है और वैसे ही मैं हेयर को कट कर रही हूँ। क्योंकि इतना हेयर यहाँ से मेरे को एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने दोबारा से यहाँ से कट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एकदम स्ट्रेट कट कर सकते हो, और सीजर वगैरह ना हो तो आप कपड़े काटने वाले सीजर से भी आप इस तरीके से कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कट किया, काफ़ी अच्छा कट आ गया था। फिर मैं इसको ट्रिमर से सेट करूँगी पूरा अच्छा सा लुक देने के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने पहले कॉम में हेयर को इस तरीके से ले लिया है, फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है ये देखिए, और इसको ट्रिमर से ट्रिमर को ऑन करेंगे और ऐसे कट करेंगे, एकदम आराम आराम से ट्रिमर को लेके जाना है, बहुत ही अच्छे से कट हो जाएगा। आप देख सकते हो कट होते जा रहा है यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से आपको पूरे बालों को हल्के हल्के हाथों से एकदम हल्का ट्रिमर चलाना है, बिल्कुल भी दबाव नहीं देना, एकदम धीरे धीरे करके लेके जाना है यहाँ पे। ओके, तो एकदम अच्छे से यहाँ पे ट्रिम हो चुका है यार। ओके, इस तरीके से मैं यहाँ पे कट कर दूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर दिख रहा हो कि कैसे ट्रिम हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से मैंने ट्रिम आपको इसमें कट करने के लिए और ट्रिम करने के लिए दोनों ही बता दिया मैंने अगर इस वीडियो में, यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको भी कट कर लेंगे। ओके, अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। वाओ, बिल्कुल स्ट्रेट परफेक्ट एकदम कटिंग आ चुकी है। ओके, तो चलिए फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि पूरा स्ट्रेट आया है या नहीं। तो ये देखिए पूरा स्ट्रेट आ चुका है हमारा हेयर कट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो। तो ये था इनका फाइनल लुक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर कट के साथ और कुछ
अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके। हेयर कटिंग पसंद आई हो और ट्रिमर से बालों को कैसे सेट करते हैं पूरा बराबर कैसे मैंने सेट किया सब कुछ मैंने आपको दिखाया है ये वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका रिव्यू मैं बाद में शेयर करूँगी। मैं इसको यूज कर लेती हूँ, 10-15 दिन मुझे कुछ फर्क दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, मेरा इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24, तो वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपनी रील्स वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइस।